जय भीम इंडिया पर मैं पल्लवी डोंगरे आपका स्वागत करती हूँ। चलिए महाराष्ट्र के साथ साथ अन्य राज्यों की घटनाओं का भी लेते हैं जायजा। पहली खबर है नागपुर से। सरकारी नियमों के अनुसार परिवार के अगर एक व्यक्ति का भी जाति प्रमाण पत्र हो तो उसके आधार पर परिवार के बाकी लोगों का जाति प्रमाण पत्र बन सकता है, परंतु नागरिकों और विद्यार्थियों को लगातार आवेदन देने के बावजूद भी प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ओबीसी नागरिकों को खास तौर पर विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है। इसी मांग के चलते ओबीसी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा की ओर से सामाजिक न्याय भवन के सामने धरना आंदोलन किया गया, लेकिन पाया गया है कि दोनों भी जो सरकार ने सूचना पत्र निकाले हैं उसका ये अवमानना जात पड़तानी कमेटी कर रही है। मुझे लगता है कि ये सब मनमानी चल रहा है, यहाँ पर गैर कारोबार चल रहा है, सब काम चुकारपना चल रहा है, यहाँ पर किसी को काम से कोई लेना देना नहीं, ऐसा लग रहा है। और जो खास करके कास्ट वैलिडिटी कमेटी जो बनी है वो अपना काम करने के बजाय सब कुछ कर रही है, यानी उनको काम करना है, पड़ताल नहीं करना और तुरंत बच्चों को कास्ट जो वैलिडिटी है वो तुरंत देना, लेकिन यही काम वो नहीं कर रहे और टालमटाल कर रहे और बच्चों को वैलिडिटी नहीं मिल रही समय पर, इसलिए उनका जो आरक्षित कोटे का जो उनका जो दाखिला है वो दाखिला उनको नहीं मिल रहा है। अन्याय हो रहा है उनके ऊपर, ओबीसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, इसलिए हम लोग ये धरना सत्याग्रह करें। हमारी मांग है कि सरकार जो परिपत्रक है उसके अनुसार कास्ट वैलिडिटी कमेटी जो है वो तुरंत जो भी है उनके तरफ अर्ज आता है उसका निपटारा करें। दूसरा ऐसी मांग है कि कास्ट वैलिडिटी कमेटी खास करके ओबीसी छात्रों के बारे में, ओबीसी जनता के बारे में है, तो उसमें ओबीसी अधिकारी नियुक्त किया जाए। तीसरी ऐसी मांग है कि जो गैर कारोबार यहाँ पर अगर चल रहा होगा, क्योंकि दो साल से वैलिडिटी नहीं मिली अर्ज करने के बाद में, ये सरकार ये इसका मतलब ऐसे कि सरकार ये जहाँ पर कमेटी के जो लोग बैठे हैं वो जो परिपत्रक है सरकार की सूचना पत्रक है उसकी अवमानना कर रहे हैं। हमारी मांग है कि उसकी चौकसी करें और अगर जिम्मेदार अधिकारी अगर उसमें पाया जाता है तो उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करे। ये तीन मांगों के लिए हमारा धरना सत्याग्रह। जलगांव जामोद में महाराष्ट्र राज्य ओबीसी आरक्षण बचाओ समिति द्वारा ओबीसीयों का आरक्षण बचाने के लिए मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में सभी समाज के ओबीसी प्रवर्ग के लोग और विद्यार्थी शामिल थे। महाराष्ट्र राज्य आरक्षण बचाव समिति आज जलगांव जामोद से एक नया पहल करने जा रही है। ओबीसी आरक्षण पे जो गदा महाराष्ट्र सरकार ने लाई है, हालांकि हम लोगों का मराठा लोगों से कोई मतभेद नहीं है, उन लोगों को जो आरक्षण मिला उनके तहत मिला और उनको मिलना चाहिए था, लेकिन हमारा हक मार के अगर ओबीसी का हक मार के अगर कोई आरक्षण में आता है तो उसके लिए ओबीसी जन जागृति करेगा और अपना हक के लिए लड़ेगा और रास्ते पर आएगा। 9 अगस्त 2019 को महाराष्ट्र में नव क्रांति हो जाएगी, नया आंदोलन छड़ा जाएगा, ओबीसी अभी अपने हक के लिए रास्ते पे आएगा, यही आज हम पुकार करना चाहते हैं। मैं आज यहाँ जो बताने जा रहा हूँ एक ओबीसी महिला की हैसियत से नहीं, एक माँ की हैसियत से बताने जा रहा हूँ कि हर कोई माँ का एक सपना होता है खुद को बड़ा करने का, लेकिन जब उसका खुद का सपना बड़ा नहीं होता तो अपने वो बच्चों के माध्यम से उसका सपना पूरा करने की सोचती है। 2 महीने पहले मैंने इस लड़की से पूछा कि तुम क्या बनना चाहती हो, तो इसने जवाब दिया था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अब आज उसका चेहरा आप देखिए, उसके चेहरे पर थोड़ी सी नाराजगी है, क्योंकि जब इसने देखा कि ये न्यायालय का निकलने का और ये जो शासन का बर्ताव देखा तो उसके चेहरे पर जो नाराजगी है इससे मालूम होता है कि शासन हमारी ओबीसी की तरफ देखने का तरीका जो शासन का बिल्कुल बुरा है। और इसलिए आज हमने यहाँ जो मोर्चा निकाला है तो मैं निषेध करती हूँ एक ओबीसी महिला होने की वजह से, एक माँ होने की वजह से, कि हमें सपना देखने का कोई हक नहीं ओबीसी माँ को। रात दिन हम एक करते हैं, बच्चों की पढ़ाई की तरफ हम ध्यान देते हैं और बच्चे हमारे लिए सब कुछ होते हैं, लेकिन आज यहाँ जो वातावरण फैला हुआ है इससे हमारे आंखों में अब अश्रू की धाराएं फैल रही है। इससे ज़्यादा मैं कुछ एक्चुअली जो कैटेगरी है ओपन की वो रिजर्वेशन नहीं है, वो तो ओपन है। ओपन में एससी भी अप्लाई कर सकता है, ओबीसी भी अप्लाई कर सकता है, एसटी भी अप्लाई कर सकता है, आज तक यही हुआ है। लेकिन पिछले समय जो एमपीएससी का जो हुआ, एमपीएससी में जाति के तौर पर ओबीसी उसने ओपन में अप्लाई किया, इसके लिए उनको अभी उन्होंने सिलेक्शन नहीं किया, तो उनके केस अभी कोर्ट में चालू है और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। मेरे ख्याल फिर कोर्ट ने अगर ये नहीं माना तो आप क्या करोगे? कोर्ट ने अगर नहीं माना तो अभी तो हमने शुरुआत की है छोटी सी आंदोलन की, तो हम जो है अभी तहसील से लेके जिला, जिले से लेके स्टेट में ये आंदोलन फैलाएंगे, लोगों में जनजागृति करेंगे।
भोकरदान तहसील के सपकाल में गंगूबाई राघोजी सावले चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 4 एकड़ जमीन पर धम्म गंगा बौद्ध विहार की स्थापना की जा रही है, जिसका काम अभी फिलहाल शुरू हो चुका है। इस बौद्ध विहार में 4 शैक्षणिक हॉल, ध्यान केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र, भिक्कु निवास स्थान, आरोग्य शिविर जैसी अलग अलग सुविधाओं का भी ख्याल संस्था के द्वारा रखा गया है। याची मला शाश्वती आहे। हे जसं सरांनी सांगितल्याप्रमाणे ही वास्तू भव्य वास्तू असेल आणि इथे समाजासाठी आणि त्यांचा आर्थिक विकास, त्यांचा सामाजिक विकास, त्यांचा आपला धार्मिक विकास आणि सगळ्या प्रकारच्या गरजा इथून भागवल्या जाईल अशी आमची मनोमन इच्छा आहे। आमची इच्छा आहे की जसं मी सुखी झालो तसं इतरही सुखी व्हावेत आणि हाच हेतू घेऊन आम्ही हे काम करीत आहोत। एका विशाल अशा बुद्धविहाराची निर्मिती या ठिकाणी होते आहे। आयुष्यमान साळेसाहेब यांनी त्यांच्या आयुष्यभरातली सर्व कमाई, सर्व मिळवलेल्या ज्ञानाचं संचित ते या ठिकाणी होत आहेत आणि या जळगाव सपकाळ नगरीचं स्वास्थ्य अधिकारी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 5,716 पदों की भर्ती प्रक्रिया रोकने और होम्योपैथी डॉक्टरों का समावेश कर नई प्रक्रिया शुरू करने सहित कई मांगों के लिए परभनी के आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन की ओर से जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया। सीएचओ पदासाठी निवेदन मागितले आहे, त्याच्यातून होम्योपैथिक डॉक्टरांना वगळण्यात आला आहे। त्यासाठी आम्ही आज परभणी जिल्ह्यातून सर्व होमिओपॅथिक डॉक्टर्स एकत्र होऊन त्याचा निषेध नोंदवण्यासाठी आणि या सीएचओ पदाची प्रक्रिया आहे ती रद्द करावी आणि होमिओपॅथिक डॉक्टरना त्यात सामील करून नवीन भरती करावी यासाठी आज आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा झालो आहोत आणि जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देत आहोत व मुख्यमंत्री साहेबांनी लवकरात लवकर यावर निर्णय घेऊन होमिओपॅथिक डॉक्टरना न्याय द्यावा यासाठी आम्ही आज सर्वजण जमलो आहोत। बुलढाणा के उप प्रादेशिक अधिकारी जयश्री दुतोंडे व वाहन चालक को मामूली वाद के चलते सतीश दीपक और रंगनाथ पवार इन तीनों भाइयों ने आरटीओ परिसर के सामने मारपीट की, जिसके बाद कर्मचारियों द्वारा पूरी घटना का विरोध करते हुए कार्यालय में लेखनी बंद आंदोलन किया गया। तो वहीं रंगनाथ पवार ने उप प्रादेशिक अधिकारी के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की है। आज उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या आवारामध्ये उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जे आहेत दुतोंडे मॅडम यांना तेथील एजंट मुख्याने मागणी केली। याबाबतची प्राथमिक तक्रार आली होती, त्यावरून आम्ही स्पॉटवर गेलो, स्पॉटवर पाहणी केली आणि ज्या जखमी ड्रायव्हर त्याचप्रमाणे ज्या दुतोंडे मॅडम आहेत त्यांची जबाबदारी नोंदवलेली आहे। दुतोंडे मॅडमच्या तक्रारीत असं म्हटलेलं आहे की काही अनियमितता असलेली कागदपत्रे नियमित करून द्या किंवा प्रमाणित करून द्या अशी जी हे होती त्यांची एजंटची मागणी, त्या मागणीला त्यांनी नकार दिला। जे कायदेशीर आहे तेच मी करेन, जे बेकायदेशीर आहेत त्यांना मी प्रमाणित करणार नाही असा त्यांचा जो सूर होता तो सूर त्यांना पचला नाही एजंटला आणि त्यामुळे त्यांनी चिडून जाऊन त्यांना आणि त्यांच्या ड्रायव्हरना मारहाण केली। अशा प्रकारची घटना घडली आहे। त्या घटनेवरून आम्ही स्वतः दुतोंडे मॅडम यांची चौकशी केली, त्या सध्या शासकीय रुग्णालयात उपचार घेत आहेत। त्यांच्या जबाबावरून आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे 353, त्याचप्रमाणे 354, 332 आणि त्यांचा जो ड्रायव्हर आहे त्याच्या ड्रायव्हरच्या म्हणण्यानुसार त्याचे 15,500 रुपये आणि सोन्याची चेन नेली, याबाबत आमची चौकशी सुरू आहे। माझं नाव रंगनाथ किशन पवार। आम्ही प्रेमाईसमध्ये आरटीओपीच्या प्रेमाईसमध्ये कसं पोटपाणी भरतो आणि आरटीओपीमध्ये कामं करतो। आमच्या सरकारी मान्यता आमची ड्रायव्हिंग स्कूल आहे आरटीओपी मार्फत। आम्ही ड्रायव्हिंग स्कूलमार्फत लोकांचे लायसन वगैरे काढून देत असतो। आम्हाला सतत ऑफिसमध्ये दुतोंडे मॅडम
यांच्या संपर्कात लोकांचे कामं घेतलेले ते करून देणं पडते. पण आमचे आमच्यासोबत मॅडम एकदम जातीवाचक सारखा आमच्यासोबत हे करता, व्यवहार करता व आम्हाला तुम्ही डुक्कर खाणारे हे म्हणता आणि तुम्ही हलक्या जातीचे लोक हे तुम्ही आमच्या बरोबरीमध्ये ऑफिसामध्ये ऑफिसच्या आतमध्ये येऊ शकत नाही, यायला नाही पाहिजे, तुम्ही बाहेर राहा असं आम्हाला सतत ते त्रास देत असतात. तरी पण आम्ही आमच्या पोट पाण्यासाठी तिथं आम्ही सतत कामं करत असतो आणि आम्ही कधी पण तिथं जाऊन मॅडमचे जे बी बोलणे असता ते सहन करत असतो. आजचा प्रकार काय झाला आणि आजचा प्रकारमुळे आमचा भाऊ जे लोकांचे कामं ट्रेनिंग स्कूलमार्फत आम्ही केलेले होते ते पेपर आणण्यासाठी आमचा भाऊ तिथं गेला असता गाडी जो ते फक्त मॅडम दुतोंडे मॅडम यांची गाडी होती, गाडी आणि त्यांचे दोन डायव्हर आलेले होते. डायव्हरले पेपर मागायला गेले असता त्यांना आमच्या भावाला मारहाण केली व ह्याच्यातून रॉड गाडीतून रॉड करून त्यांच्या हातावर मारले आणि लाथाबुक्क्या मारून आमच्या भावाला जमिनीवर जीव मारण्याचा प्रयत्न केला त्यांनी. आणि आम्ही महिलांचा आदर करतो, आम्ही महिलांबद्दल कधीही गैर गोष्टी बोललो नाही आणि मॅडम तिथे नव्हता, आमच्या बी घरी महिला आहे, महिलांचा आम्ही आदर करतो आणि महिलाबद्दल आम्ही अपशब्द बोलू शकत नाही आणि आम्ही महिलाबद्दल आदर करतो. मी ऑफिसच्या बाहेर निघाली, काही कामानिमित्त मला जायचं होतं आणि माझी गाडी लावलेली होती. गाडी लावलेली असताना तिथे बाहेरच सतीश पवार म्हणून जो एजंट आहे तो आला आणि माझ्यासमोर इलिगल डॉक्युमेंट ठेवले आणि मला सही करायला सांगितलं. मी नकार दिला, तर नकार दिल्याबरोबर त्यांनी माझ्यावरही हल्ला केला आणि माझ्या ड्रायव्हरवरही हल्ला केला. तर ते केल्यानंतर त्याचे रंगा पवार आणि त्याचा भाऊ दीपक पवार हेसुद्धा जॉईन झाले आणि त्यांनीसुद्धा हल्ला केला माझ्या ड्रायव्हरचं. तर म्हणजे इथे पूर्ण त्यांनी लाथ मारून बिलकुल ते तोडून टाकलेलं आहे बिलकुल. आणि एक महिला अधिकारी असल्यावर एवढा मोठा हल्ला होणे ही म्हणजे फार एक शर्मेची बाब आहे. तुमच्यावर कशासाठी हल्ला झाला होता? इलिगल डॉक्युमेंट जे ज्यांनी आणले होते त्याच्यावर सही करायला मी नकार दिला, त्यामुळे त्यांनी माझ्यावर हल्ला चढवला आणि एकाने हल्ला चढवून त्याच्यासोबत त्याचे भाऊसुद्धा जॉईन झाले आणि त्यांनीसुद्धा हल्ला केला माझ्यावर आणि माझ्या ड्रायव्हर. सय्यद इस्माईल आहे. मैंने शुक्रवार को बुलढाणा RTO ऑफिस में मेरी गाड़ी नंबर MH 31 AP 85 17 ये गाड़ी मैंने शुक्रवार के दिन पासिंग किया और आज मैं उसका फिटनेस लेने के लिए तकरीबन 12 से 12:30 बजे बुलढाणा RTO ऑफिस में गया. तो मुझे कुछ लोगों ने बोले मैडम नहीं है, मुझे भरोसा नहीं आया. मैं ऊपर जाके देख के आया तो मैडम वहाँ पर कैबिन में उनके अवेलेबल नहीं थे. तो नीचे आके देख रहा था ये झगड़ा चालू था. ये झगड़े का मैं बीच में गया, बीच बचाव किया, उनका दोनों पक्ष को समझा के आजू बाजू लिया, वहाँ पर मैडम मौजूद नहीं थे. मंगलूर पीर में चितलांग गैस एजेंसी की ओर से मुबदीर और दिव्यांग निवासी विद्यालय के छात्रों को स्कूल बैग और शैक्षणिक साहित्य और वृद्धाश्रम के लोगों को कपड़े वितरित किए गए, साथ ही वृक्षारोपण भी किया गया. चितलांग इंडियन गैस एजेंसी मंगलूर पीर और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यवतमाल एरिया के फील्ड ऑफिसर श्री नीलेश जी ठाकरे सर, इनके शुभ हस्ते और मान्यवरों के शुभ हस्ते आज चितलांग इंडियन की ओर से उज्ज्वला गैस कनेक्शन और अंत्योदय श्रेणी में जो ग्राहक है उनको कनेक्शन का वितरण हमने आज यहाँ किया. उसी प्रकार से जो मूकबधिर बच्चे हैं उनको शैक्षणिक साहित्य वाटप और वृक्षारोपण यह कार्यक्रम आज चितलांग इंडियन की ओर से यहाँ संपन्न हुआ है. उज्ज्वला गैस का अधिकतर इस्तेमाल लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि लकड़ी और जो प्रदूषण वाली चीज़ें और उससे जो मनुष्य को हानि होने वाली है. आज हमने इस मुकबदीर विद्यालय में उज्ज्वला योजना के तहत जो हितग्राही है उनको मुफ्त कनेक्शन का वितरण किया है. हमने आज इन महिलाओं को यहाँ बुलाया है और इनको जो चितलांग इंडियन मंगलूरपीर में जो है हमारा इंडियन ऑयल का एजेंसी है उसके द्वारा उज्ज्वला के कनेक्शन को वितरण किया है. आज इस स्कूल में जो मुकबदीर विद्यार्थी है उनको हमने शालेय उपयोगी जो वस्तु रहता है उनके बुक्स रहते हैं या फिर स्कूल का बैग रहता है उनका वितरण किया है और जो वृद्ध महिला और पुरुष है उनको हमने कपड़ों का साड़ी चौड़ी का वितरण किया है.
और मैं उज्ज्वला के बारे में और कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अंत्योदय मिशन मतलब दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय मिशन ये शुरू किया है। इसके अंतर्गत जितने भी केरोसिन धारक अपने वाशिम जिले में हैं उनको गैस कनेक्शन मुफ्त मिलने की ये योजना चालू की है। तो जितने भी हमारे वाशिम जिले के जितने भी केरोसिन धारक ग्राहक है उनको मैं आह्वान करता हूँ कि आप अपने तुरंत अपने नियर बाय एजेंसी में जाइए, गैस एजेंसी में जाइए, अपने डॉक्यूमेंट दस्तावेज वहाँ पर सबमिट कीजिए और आपको सरकार के द्वारा एक मुफ्त कनेक्शन गैस कनेक्शन मिला जाए। परभनी में महाराष्ट्र राज्य जनता दल की ओर से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़े करने हेतु बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में महाराष्ट्र राज्य जनता दल के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। परभनी जिला कार्यकारिणी बैठक के निमित्त मैं डॉक्टर पी डी जोशी पाटोदेकर उपाध्यक्ष जनता दल महाराष्ट्र उपस्थित है। जनता दलाच्या एकंदरत परभणी जिल्ह्याच्या कार्यकारिणीवर आपण यामध्ये विचार विनिमय केला। पुढच्या विधानसभेच्या अनुषंगाने पण काही गोष्टींचा उल्लेख आपण इथे केला आणि आपल्याला विधानसभेच्या निवडणुका या चांगल्या प्रकारे लढवाव्या लागतील। जे कोणी पक्ष आपल्याला साथ देतील त्यांच्या सहित आणि कोणत्या पक्षाने आपल्याला साथ नाही दिली तर त्यांच्या विरहित पण आपल्याला निवडणुकीला पुढे जावं लागेल अशी भूमिका आज आमच्या जनता दलाची राहिलेली आहे। त्या अनुषंगाने काही पक्षांशी आमची बोलणी सुरू आहे आणि या बऱ्याचशा लोकांना आम्ही जवळ करायचा प्रयत्न करत आहोत। सोशलिस्ट ग्रुप जे एवढे आज महाराष्ट्रामध्ये आहेत त्यांची एक बैठक नुकतीच मुंबईला आणि पुण्याला पार पडली, त्यामध्ये सर्व सोशलिस्ट ग्रुप आज एकत्र येऊन महाराष्ट्रामध्ये या विधानसभेच्या अनुषंगाने सामोरे जाण्याचा आम्ही। वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से नांदेड़ के 9 विधानसभा मतदार क्षेत्र के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की मुलाकात ली गई। इस दौरान 103 से भी ज्यादा उम्मीदवारों ने वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए उम्मीदवारी मांगी है, ऐसी जानकारी सांसदीय समिति के प्रमुख अशोक सोनोने ने पत्र परिषद के दौरान दी। आज मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यामध्ये आज आम्ही मुलाखतीसाठी आलेलो आहोत। इथे जवळपास आतापर्यंत 9 मतदारसंघातून 103 अर्ज आलेले आहेत। त्यांच्यापैकी बरेच आता मुलाखती झालेले आहेत आणि बरेच संध्याकाळी उशिरापर्यंत कावना पण या मुलाखती आम्ही पूर्ण करू। उद्या आमचा दौरा हिंगोलीसाठी आहे। उमेदवारांची यादी कधी जाहीर होणार? पूर्ण मुलाखती झाल्यानंतर आम्ही उमेदवाराची यादी कदाचित तेवढ्या उशिरापर्यंत आपण असणार नाही असं मला वाटतं। क्रायटेरिया काय असणार आहे उमेदवारांना फायनल करण्यासाठी? पहिल्यांदा आम्ही त्यांचं क्वालिफिकेशन घेणार आहोत, त्यांचं चारित्र्य सर्टिफिकेट आम्ही विचारून घेणार। चारित्र्य सर्टिफिकेट मागणार नाही पण त्याच्या चारित्र्याची म्हणजे क्रिमिनल बॅक हिस्ट्री बॅकग्राऊंड आम्ही विचारणार आहोत आणि त्याची सामाजाशी किंवा पूर्वी पक्षी कुण्या पक्षात होते, कुण्या राजकीय पक्षात होते, सामाजिक काय कार्य केलं आणि कशा पद्धती कशासाठी तुम्ही आमदारकी लढू इच्छिता अशा प्रकारचे आम्ही मुलाखतीमध्ये प्रश्न विचारले जातो। क्रिमिनल जर असेल समजा बॅकग्राऊंड जर चांगलं असेल नाही बॅक क्रिमिनल असेल तर बॅकग्राऊंड आम्ही त्यांना आम्ही प्राधान्य देणार। राजकीय गुन्हे वगैरे असतील ना? राजकीय गुन्हे असू द्या ना, सामाजिक राजकीय गुन्हे असतील तर आम्ही त्यांना समजू शकतो। सर्टिफिकेट आहे आमच्याकडे। हां, एमआयएमला किती जागा आणि बाकी वंचितला किती असं काय ठरलं? आता एमआयएम आणि वंचित हे एकच पक्ष आहेत, आमचे आपसमधलं अतिशय जवळीकतेचा संबंध आहे। तुम्हाला शिवसेना भाजप भांडणं करून घेऊन पुन्हा एकत्र लढतात त्याच्याबद्दल तुम्हाला आनंद वाटतो आणि आम्ही नुसते उमेदवारी मागितलं तर एवढं तुम्हाला म्हणजे ही होण्याचं काही कारण नाही। म्हणजे एमआयएमला 40 जागा 50 जागा असं काही ठरलं? ठरवू ना आम्ही, देऊ ना। किती मागितले होते आणि किती देण्याचा विचार असं काय आहे? त्यांचं आणखी लिखापडे आलेली नाही आहे पण इम्तियाज जलील साहेबांनी तसं एखादी म्हणले की आम्हाला आम्ही मागणार आम्ही 100 तर आहोत, आता ते देणारे बाळासाहेब आहे, त्यांचे वरिष्ठ बंधू आहेत, ओवैसी साहेब असून आम्ही ठरवू काय करायचं आहे ते।